भाभी जी घर पर है कि गोरी मेम ने बेटी को दिया जन्म। माँ दुर्गा के प्रतीक पर होगा लाडली का नाम। टीवी की दुनिया से एक और गुड न्यूज सामने आई है। भाभी जी घर पर है मैं अनीता भाभी का कैरेक्टर में नजर आ रही विदिशा श्रीवास्तव माँ बन चुकी हैं। विदिशा ने क्यूट सी नन्ही परी को जन्म दिया है। विदिशा ने बेटी को जन्म 11 जुलाई को दिया। एक्ट्रेस ने माँ बनने के बाद अब तक सोशल मीडिया पर एक भी पोस्ट शेयर नहीं किया। इस वजह से फैंस को विदिशा के माँ बनने के बाद पहले पोस्ट का काफी बेसब्री से इंतजार भी है। हर किसी को उम्मीद है कि एक्ट्रेस पहले पोस्ट में बेबी की झलक दिखा सकती हैं, लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर किसी न किसी तरह से विदिशा को ढेर सारी बधाइयां भी मिल रही है। विदिशा श्रीवास्तव ने मां बनने के बाद एक इंटरव्यू में बताया, जिसके जरिए उन्होंने अपने मां बनने का खुलासा भी किया। एक्ट्रेस ने बताया कि उनकी डिलीवरी नॉर्मल हुई है। उन्हें डिलीवरी से 18 घंटे पहले ही लेबर पेन स्टार्ट हो गए थे, जिसे उन्होंने झेला है। एक्ट्रेस के मुताबिक जैसे ही उन्होंने अपनी नन्ही सी बेटी का फेस देखा तो वो सारा दर्द भूल गई थी। विदिशा ने इस बातचीत में ये भी बताया कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम पहले ही सोच रखा है। एक्ट्रेस अपनी बेटी का नाम आभा रखेंगी, जिसका अर्थ माँ दुर्गा का प्रतीक होता है। विदिशा ने ये नाम अपने पति साइक पॉल के साथ मिलकर सोचा है। विदिशा श्रीवास्तव टीवी सीरियल भाभी जी घर पर है मैं गोरी मैम के कैरेक्टर में नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस प्रेगनेंसी के दिनों में भी शूटिंग में एक भी फालतू छुट्टी ना लेती हुई नजर आई थी। विदिशा ने प्रेगनेंसी पीरियड में अपने काम को चालू रखा था। उन्होंने सिर्फ डिलीवरी से 10 दिन पहले शूटिंग को बंद किया है और वो जल्द ही शूटिंग पर वापसी भी करेंगी। भले आप विदिशा श्रीवास्तव की बेटी का चेहरा देखने के लिए है कितने ज्यादा एक्साइटेड, हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।